एक समय की बात है, करण जब काफी छोटा था तभी उसकी माँ राखी उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से ही उसकी परवरिश उसकी करीना बुआ ने की। करण माहिरा के साथ शादी रचा चुका था, लेकिन वो एक विदुर था जिसकी पत्नी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और इसी वजह से करण काफी दुखी रहने लगा था। लेकिन करण के ऑफिस में एक प्रीता नाम की लड़की काम किया करती थी, जो करण की हर एक मुश्किल घड़ी में उसका साथ देती थी और अब दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। तभी करण फैसला करता है कि वो प्रीता से शादी कर लेगा, इसके लिए वो करीना बुआ से भी बात करता है, पर करीना बुआ नहीं चाहती थी कि करण प्रीता से शादी करे। पर करण की जिद के आगे करीना बुआ को इस शादी के लिए हामी भरनी पड़ी थी। इसी तरह कुछ समय बाद ही करण और प्रीता की शादी हो जाती है, लेकिन करीना बुआ ने अपनी इस सौतेली बहू को वो प्यार नहीं दिया था जो वो अपनी पहली बहू माहिरा को देती थी। हर वक्त प्रीता को खरी खोटी सुनाती रहती है, फिर घर के कामकाज को लेकर तो कभी कहती कि तुम मेरे बेटे के ऑफिस में काम करने वाली सिर्फ एक एम्प्लॉय हो। इसी तरह करीना बुआ रोजाना प्रीता को बेवजह ही बातें सुनाती रहती थी। इसी दौरान प्रीता का बर्थडे भी आने वाला था। प्रीता के बर्थडे के मौके पर करण बहुत खुश था, वो चाहता था कि वो अपनी पत्नी के बर्थडे पर कुछ स्पेशल करे, लेकिन करीना अपनी बहू के जन्मदिन में बिल्कुल भी पैसा खर्च करना नहीं चाहती थी। उसने प्रीता को साफ कह दिया था कि घर में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, मैं अपनी सौतेली बहू का जन्मदिन बनाकर आस पड़ोस के लोगों को तमाशा नहीं दिखा सकती। अपनी सासू माँ की ये बातें सुनकर प्रीता काफी निराश हो जाती है। तभी रात का वक्त आता है, करण ऑफिस से घर आ चुका था, ये जन्मदिन के लिए बहुत एक्साइटेड भी था, पर घर में कोई भी चहल पहल ना दिखने की वजह से करण थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। इसी दौरान करण प्रीता से पूछता है, दुखी क्यों हो आज, अपने जन्मदिन के मौके पर कौन दुखी होता है। तभी प्रीता कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे, बस ऐसे ही थोड़ा सिर दर्द था। पर करण प्रीता की बातों से समझ चुका था कि जरूर घर में कुछ न कुछ जरूर हुआ है। तभी वो करीना बुआ के पास जाता है और कहता है कि बुआ जी क्या बात हो गई है, आज प्रीता का बर्थडे है और घर में कुछ तैयारियां नहीं हो रही हैं। करीना बुआ कहती है कि तुम चाहते क्या हो, मैं अपने घर में अपनी सौतेली बहू का जन्मदिन मनाकर अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती। तभी करण अपनी बुआ को समझाता है और कहता है कि क्या अगर प्रीता की जगह मेरा बर्थडे होता तो आप सेलिब्रेट नहीं करती, हालांकि प्रीता आपकी सौतेली बहू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी से अब सभी खुशियां खत्म हो चुकी है, उसने तो हमारे घर को खुशियों से भरा है और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी खुशियों का ध्यान रखें, पर आप तो समझते ही नहीं। तभी करीना बुआ अपनी गलती का एहसास करती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा से प्रीता को अपनी सौतेली बहू समझती आई हूँ और उसकी खुशियों का भी ध्यान नहीं रखा, लेकिन आज ही मैं अपनी गलती कबूलती हूँ। यही कहकर प्रीता तुरंत पास वाले बीकानेर से केक ऑर्डर करती है और प्रीता के बर्थडे पर अपनी खुशियों का तड़का लगाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।